बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त टेस्टी ब्रेड बॉल्स की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पर आधा किलो जो है वो बॉइल्ड पोटैटो उबले हुए आलू ले लिए। इसके साथ हमने थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया लिया है, चार मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए, सुर्ख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, आपने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर लेना है। चाट मसाला मैंने लिया है आधा खाने का चम्मच, आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 1/4 टेबलस्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर लिया है, और हरी मिर्च हमने ली है बारीक कटी हुई। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटैटोस को मैश करेंगे, इसलिए मैंने मैशर ले लिया और आपने अच्छे से पोटैटोस को मैश कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने मैश कर लेने, पोटैटोस हमारे अच्छे से मैश हो गए। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। अब आलू को हमने मैश कर लिया है, मैश करने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, इसके साथ चाट मसाला, काली मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, और लास्ट पर ये मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं आधा चम्मच जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल कर रही हूँ, ये मैं भूल गई थी आपको बताना। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब थोड़ा सा हम इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया जो है वो शामिल करेंगे, और अब मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, अब मैं इसको करूंगी साइड पर। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ब्रेड ले ली है और ब्रेड के चारों पीसों को हमने क्या करना है, अच्छे से सेट करना है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैं करूंगी रिमूव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं चारों साइडों के जो कॉर्नर्स हैं वो रिमूव कर लूंगी। अभी हमारे पास चारों जो स्लाइस हैं वो निकल आए, ब्राउन कॉर्नर्स को मैं कर दूंगी साइड पर। ये देखें व्यूअर्स, अब हम एक बेलन लेंगे और इस ब्रेड को हमने कर देना है फ्लैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से आपने इस ब्रेड को फ्लैट कर देना है। अब इसी तरह मैं सारे ब्रेड के पीसेस को फ्लैट कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने ब्रेड के पीसेस को फ्लैट कर लिया है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब देखें व्यूअर्स हमने क्या करना है, सबसे पहले आलू के बॉल्स बनाने हैं। अब हम आलू के बॉल्स बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक आधा अंडा लिया है और थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं ताकि हम बॉल्स को ये लगा सकें। तो अब सबसे पहले मैं आलू लूंगी, अंडे को करती हूँ साइड पर। इस तरह से आपने गोल आलू का जो है वो एक बॉल बना लेना है, इसको मैं कर दूंगी साइड पर। बॉल का साइज जो है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से अब मैं चार जो बॉल्स हैं वो बना लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो पोटैटो बॉल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक अंडा लूंगी और एक अंडे को मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। अब चूंकि मेरे पास अभी 4 स्लाइस थे तो मैंने 4 ही बॉल्स बनाए। हम लेते हैं अब एक अंडा, अब मैंने इसको कर लिया अच्छे से बीट, मैं कर दूंगी इसको साइड पे। अब हम क्या करेंगे, एक
ब्रेड का स्लाइस रखेंगे यूं इस तरह हाथ पर। एक ये मैं बॉल लूंगी। अच्छा, आप चाहें तो इस तरह इसको एग में अच्छे से रोल करने के बाद भी रख सकते हैं, और यूं आपने ब्रेड में इसको रख देना है और ऊपर आपने इसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। अच्छे से आपने इसको टाइट बॉल बना लेना है। ये देखें, एक बॉल बन चुका है। अब हम इसको दोबारा क्या करेंगे, अंडे में लगाएंगे और मैं ब्रेड क्रम्स में छोड़ दूँ। अब ये दूसरे खुश्क हाथ से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सारे ब्रेड क्रम्स को अच्छे से लगा देंगे। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, आप मार्केट वाले भी लगा सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसी तरह इसको रख दूंगी साइड पर। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं सारे बॉल्स बना लूंगी। अब हम फिर लेंगे एक ब्रेड, हमारे जो बॉल्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया। अब क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है तो ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे ही तेल की कराने की आवाज़ बंद होगी हम अपने बॉल्स डाल लेंगे। तेल जो है अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम एक एक करके जो अपने बॉल्स हैं वो इसके अंदर डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर जो है वो आ गया है। बस आपने भी इसको इसी कलर आने तक पकाना है। मैं सारी साइड्स इसके अच्छे से पका लूंगी। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी तरह जो मैं दूसरे ब्रेड बॉल्स हैं वो भी डाल दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। मैं इसको निकालूंगी और सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपने सारे पोटैटो बॉल्स को रेडी कर लूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ब्रेड बॉल्स बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही यम्मी, क्रिस्पी और टेस्टी बॉल्स हमारे बने हैं। और आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसको हरे धनिए के साथ जो है वो गार्निश किया और इसकी जो लुक है बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। तो चलिए मैं अब इसको काट कर दिखाऊंगी। चलिए व्यूअर्स, मैं अब आपको एक जो बॉल है वो कट करके दिखाने लगी हूँ, तो आप इसको इंटरनली भी चेक कर लीजिए। ये बहुत ही क्रिस्पी बने, ये देखें। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।